आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं शहर शहर खबर खबर के हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। इससे 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कुल 48 जिलों को फायदा मिलेगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 2 दिन पहले रेडियो सेवाओं का यह विस्तार किया है। जी, कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकता के नाम पर घूम रहे हैं और खुद को पीएम उम्मीदवार तक बता रहे हैं। आप 2024 में दलित समुदाय को बोलेंगे कि आपने एक दलित अफसर की हत्या करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया है। बीजेपी के एमपी है, जो अपर कास्ट के एमपी है बीजेपी, वो भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, मरने वाला दलित हो या मुसलमान हो, रेप होने वाली महिला दलित हो या मुसलमान हो या आदिवासी हो, और इनका जो हत्या करते हैं और रेप करते हैं, तो उनको चाहे बीजेपी की सरकार गुजरात की हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, और नीतीश कुमार सारे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के नाम पर और अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं। आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को। आप दलित कम्युनिटी को बोलेंगे अब आप जाकर पूरे देश में 2024 में कि देखो हमने एक दलित ऑफिसर की हत्या करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया? कौन सी अपोजिशन? हम यही तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी पे फाइट करिए बीजेपी से। भारतीय कुश्ती संघ चीफ के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई लगातार जारी है। वहीं इस धरने में क्रिकेटर, नेता और दिग्गज खिलाड़ी पहलवानों का भी समर्थन कर चुके हैं, जहां इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिग्गज एथलीट पीटी उषा ने भी मामले में प्रतिक्रिया देते हुए धरने को अनुशासनहीनता तक करार दिया। वहीं इस पर ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने भावुक होते हुए कहा कि पीटी उषा उनके आदर्श हैं और उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें काफी निराशा हुई है। बता दें कि पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर खाप पंचायतों ने भी जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होनी है। विवेक जी, बिल्कुल, आज की डेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुकर्रर की थी, शुक्रवार को जो है यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये मामला तब प्रकरण में आया था जब जनवरी में जो WFI के प्रेसिडेंट
दिग्विजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से गोंडा के सांसद है उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप जो है वो महिला पहलवानों ने लगाया था और दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब कई प्रकार से बातें चली थी, अनुराग ठाकुर वहां पे गए थे, सांत्वना देकर खिलाड़ियों को मनाया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 3 महीने बाद भी एक FIR तक नहीं लिखी गई है। उस पर जो है पहलवान फिर से जो है वो जंतर मंतर पर काफी दिनों से, तकरीबन 6 दिनों से वो अपना विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वहाँ स्थिति जो है अपने संभाले हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल जो है उन पहलवानों को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, चाहे वो जयंत चौधरी की बात कर ले या फिर विंदा करात की बात कर ले। देखा जाए तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके उनको समर्थन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स बिरादरी है उनमें अभी भी जो है यूनिटी की कमी दिखाई देती है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो काफी दिनों बाद जो है नीरज चोपड़ा जो ओलंपियन है वो मेडल जीत चुके हैं भारत के लिए ओलंपिक में, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके ये बात कही है कि खिलाड़ियों को इस तरीके से देखा नहीं जाता। स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है, लेकिन किसी बड़े क्रिकेटर ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि कपिल देव ने बयान दिया है, उनको जब कोट किया गया कि क्रिकेट कम्युनिटी से कोई आगे नहीं आ रहा है हमारी बात करने के लिए। ठीक है विवेक, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम नेताओं हो या फिर तमाम जो खिलाड़ी हैं उनका इस मामले को लेकर लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, लेकिन पीटी उषा की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें यह कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए IOA की एक समिति है और एथलीट आयोग है, तो जो पहलवान है उनको सड़कों पर जाने के बजाय सीधा आयोग जाना चाहिए, तो ऐसे में इस पूरे ट्वीट पर पहलवानों की क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ है IOA की जो है वो प्रमुख है, उन्होंने ये जो प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का उसको अनुशासनहीनता करार दिया है। देखिए हम बात की जाए स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, डिसिप्लिन में रहकर जो है चीजें सिखाई जाती है, और उस डिसिप्लिन का जो है वो उम्मीद कर रही थी पीटी उषा की कानून के दायरे में रहकर जो डिसिप्लिन का दायरा है उसके चलते जो है पहलवान जो है वो शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत उस माध्यम से सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं पहलवानों ने उस स्तर पे भी कोशिश की होगी, वो जनवरी से लगातार अपनी बात को जो है उठा रहे हैं, और जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वतः ही आश्वस्त किया था कि इन लोगों को जो है मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उसके 3 महीने बाद जब तक कोई FIR बिल्कुल विवेक, शायद यही वजह है कि ये जो प्रदर्शन है ये जनवरी से लगातार जारी था और इस पर पहलवानों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद विवेक शाही। तो लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एक बार फिर से हमारे देश के पदक वीरों को सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ा ताकि उनकी मांगे सुनी जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो वही आज पहलवानों के इस प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई होनी है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार उतार और चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,533 केस सामने आए, जबकि 44 लोगों की मौत भी हुई है। गुरुवार को देश में 53,852 एक्टिव केस थे, इससे पहले 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 67,806 एक्टिव केस थे। तो वही 10 दिन बाद एक्टिव केस 60,000 से कम हुए हैं और केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो बीते दिन केरल में 1,243 नए केस मिले हैं। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा है जो लोगों को अलर्ट रहने की भी लगातार सलाह दे रहा है, साथ ही साथ जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उसको भी पालन कराने का लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, देश भर में कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए मुकंद, जिस तरीके से कोविड ने पहले भी जो है कई प्रकार की समस्याओं से हमको अवगत कराया है, जब देश ने पहली बार कोविड का सामना किया था तो क्या त्रासदी मची थी, इस सबसे हम अनजान नहीं है। अगर बात की जाए तो कोविड का ग्राफ जो है वो घटता बढ़ता देखा जा सकता है। अगर कल की बात करें तो 9,000 कुछ मामले सामने देश भर से आए थे, लेकिन आज का ग्राफ देखिए तो तकरीबन 7,500 मामले, यानी 2,000 मामलों में कमी आई है। और उम्मीद ये स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कर रहा है कि जिस तरीके से एक दिन में इतना अंतर देखा गया है, आने वाले समय में जो
कोरोना का ग्राफ है वो गिरता ही जाएगा और एक बार फिर से जो है देश को जो है राहत भरी सांस मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो गुरुवार को 53,852 कुल एक्टिव केस थे। इसके पहले अप्रैल में ही 22 तारीख को हमने देखा था कि यह आंकड़ा जो है 67,000 के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं केरल की बात की जाए तो इस समय केरल हॉटस्पॉट बना हुआ है। कभी महाराष्ट्र इसका हॉटस्पॉट हुआ करता था कि केरल से लगातार जो है वो मामले कोविड के आते रहे हैं। अगर देखा जाए तो विदेशों से जो लोग आज आ रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। बाकायदा जो चीजें हैं चाहे वो फॉरेन से लोग आ रहे हैं या फिर अंतर राज्य जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो स्क्रीनिंग होगी उसको जो है वो फास्ट स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है। बाकायदा जागरूक कर रहा है लोगों को और सबको जो है ये सतर्क कर रहा है कि कोविड अभी गया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही, ठीक है विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो केरल है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, लेकिन इस बीच यूपी में निकाय चुनाव भी होने हैं, तो क्या ये चुनौती बन सकता है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि निकाय चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कराया जाए? जी बिल्कुल, ये बहुत चुनौती भरा ये मामला है क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के बीच में बंगाल में किस तरह की रैलियां हुई थी और सभी पार्टी जो है उस रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वहां से जो कोरोना का जो नया वेरिएंट फैला उसने देश में क्या हालत की इससे कोई अंजान नहीं है। अगर इसी तरीके से चुनावों को देखते हुए इन चीजों को अगर दरकिनार किया गया तो संक्रमण की जो दर घट रही है, जो मामले एक दिन में 2000 से कम के अंतर देखे गए हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आकार अब दिखने लगा है। निर्माण कार्य का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं अक्टूबर तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को हुई। इसके बाद यूपी के मंत्री का ट्वीट सामने आया। बताया जा रहा है कि रामलला की पुरानी और नई दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर में स्थापित करने की योजना है। तो नए राम मंदिर का खाका किस तरीके से तैयार किया गया है ये प्राइम टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसा ही राम मंदिर का नक्शा है और कुछ ऐसा ही राम मंदिर दिखेगा जब ये राम मंदिर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। वहीं इसी बीच कई विरोधी दलों में सेंधमारी की भी कोशिश की जा रही है, जहां आज भी कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। सभी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता तक दिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खास माने जाने वाले अजय त्रिपाठी मुन्ना भी भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए इन विषयों पर आप ये मानकर चलिए विकास का रथ उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन विषयों का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग चुनाव में केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का पहिया, उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करने के लिए अपने घरों से निकल करके प्रचार में लगे हैं। 4 तारीख को जब लखनऊ में मतदान होगा, एक तरफा चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, और दूसरे चरण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आ रहे हैं। भारत माता की दिया है, क्योंकि सपा के कई कार्यकर्ता और कई दिग्गज नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम था शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी का। जी हां, नामांकन के एक दिन पहले ही अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई थी, जहां पर सपा ने उनको बतौर मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था। तो उसी के बाद से लगातार सपा को हर एक दिन के साथ नए झटके मिल रहे हैं, क्योंकि करीबी नेता भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, निकाय चुनाव से पहले नेताओं के बागी तेवर दिखने लगे हैं और तमाम जो सपा के दिग्गज नेता हैं वो अब भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कौन कौन से बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है?
जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव की जहां सरगर्मियां तेज हैं और आने वाले 4 मई को मतदान होना है, तो इसको लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो लगातार 30वें दिन अलग अलग दलों से आए नेताओं को अपने पार्टी में का हिस्सा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अगुवाई में वे आज बसपा सपा से आए कई दर्जन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को आज भाजपा की ज्वाइनिंग दिलाई गई है। अगर बात करें तो सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अजय त्रिपाठी उर्फ मुन्ना के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। अगर बात करें तो अजय कुमार मुन्ना, शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेहद करीबी और हनुमान के रूप में इनकी पहचान होती थी। आज कहीं ना कहीं सपा से नाखुश होकर और भाजपा में अपना विश्वास जताते हुए भाजपा की सदस्यता लिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ले रहा हूँ। साथ ही आपको बताएं कि बसपा से भी कई छोटे बड़े कार्यकर्ता आज भाजपा के अंदर में अपनी पार्टी में वापसी किए हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनको लगातार कहीं ना कहीं देखे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दरमियान उन्हें अपने पाले में करने का पूरा प्रयास कर रही थी और लगातार तीसरे दिन आप देख रही हैं। ठीक है विभांशु, जिस तरीके से अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा पहले तो तमाम जो दल है उसके नेताओं को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है, साथ ही साथ जो अपने बागी नेता है उनको भी मनाने में लगी है, तो किस तरीके से देखते हैं आप भाजपा की इस रणनीति को चुनाव से पहले? जी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अन्य दलों से लोगों को तोड़कर और अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण निकाय चुनाव में जो टिकट वितरण हुए हैं उससे नाखुश लोगों को भी मनाने का प्रयास कर रही है और लगातार जिम्मेदारियां दी गई हैं जिलाध्यक्ष को उनके अगुवाई में जो नाखुश नेता है उनको वापस जोड़ने की भी कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बागी नेता है उनकी सूची भी तैयार की गई है जो पार्टी में रहकर और अन्य दल के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने निगरानी में रखते हुए और इनको पार्टी से वास्ता कहीं ना कहीं उनके लिए प्रतिबंध लगाएगी और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के विपरीत कार्य करेगा या अनुशासनहीनता करते हुए नजर आएगा उसकी लिस्ट भी भाजपा तैयार कर रही है और बागियों को एक तरफ मना रही है, ठीक है, जो पुरजो विरोध कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर निकालने को लेकर एक प्लान भी तैयार कर। बिल्कुल ठीक है विभांशु, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आए दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान चली जाती है लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते रहते हैं। वहीं से बीच यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वो एक शख्स को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक बाइक देखी जिस पर कुल 5 लोग सवार थे। उन्होंने इस शख्स से पूछा कि क्या आपने बच्चों से आप प्यार करते हो, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? वहीं दयाशंकर सिंह ने आगे कहा, मैं परिवहन मंत्री हूं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर उन्होंने बाइक पर सवार इस शख्स की पत्नी से पूछा, आप बताइए अपने दोनों बच्चों से आप प्यार करती हैं? लेकिन पहले आपको ये वीडियो अब दिखाते हैं। हेलमेट बताइए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई कहीं पर थोड़ा अगर डिस्बैलेंस होगा तो क्या होगा? ठीक है सर जी, आपसे माफ कर दीजिए, आगे से तो नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, पक्की बात ना, बच्चे को कसम खा के हेलमेट पहन के चले, ठीक है हाँ, और इस तरह से बच्चों को जो है ना उसको सुरक्षित रखना है ना, ठीक है नहीं है पास ये बताइए बच्चे से प्यार करते हैं? हाँ तो आप बताइए कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या होगा? एक्सीडेंट कैसे आ रहे हैं? मैं परिवहन मंत्री हूँ, ये रोजमर्रा एक्सीडेंट हो रहा है। आप बताइए अपने बच्चे से प्यार करती हैं आप? हाँ अपने बच्चे से प्यार करती हैं? करती हैं कि नहीं करती हैं बताइए? तो करती हैं तो ये बताइए, ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल पर चलेंगे 5-5 लोग तो क्या बच्चे से प्यार करते हैं आप? कल एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये बताइए कैसे होगा? ना हेलमेट पहने ना कुछ पहने, हेलमेट कहाँ रखते हैं भैया? नहीं हेलमेट बताइए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई कहीं पर थोड़ा अगर डिस्बैलेंस होगा तो क्या होगा?
ये परिवहन मंत्री हैं जो एक शख्स को देखते हैं कि वो एक बाइक पर सवार है, उसके साथ 5 लोग सवार हैं और वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो इसी दौरान परिवहन मंत्री युवक के पास पहुंचते हैं, उसे नसीहत देते हैं और उसे ट्रैफिक के नियमों की जानकारी भी देते हैं। कानपुर शहर के बजरिया, बेगमपुरवा और जाजमऊ सहित विभिन्न इलाकों में ईद के मौके पर बिना अनुमति के ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा की गई है, जिसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद लगभग 2000 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा, नमाज अदा करने वाले लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किया गया है, दरअसल आपको बता दें कि शासन की तरफ से यह सख्त निर्देश दिया गया था कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर जब ईद की नमाज अदा की गई तो उसका वीडियो किसी शख्स ने बनाया और उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुल 2000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी गई है। जी हाँ, शासन द्वारा ये कहा गया था कि सड़कों पर किसी भी तरीके से ईद की नमाज जो है वो नहीं अदा की जाएगी और सड़कों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जनपद कुछ ऐसे जनपद थे जहां पर मस्जिदों के बाहर यानी कि सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आए हैं और कुल 2000 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन अब रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सीएम योगी खुद ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी का पूरे चुनाव को लेकर कार्यक्रम तैयार है। इसी क्रम में यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर जिले में सीएम की जनसभाएं हैं। वहीं बता दें कि सीएम योगी ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि 9 साल में देश का कायाकल्प हुआ है और आज दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो दुनिया की सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्व है, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी और इस दृष्टि से इस धरती के महात्म को कोई नकार नहीं सकता। अभी हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आपके सामने उल्लेख कर रहे थे कि क्या क्या विकास के कार्य यहां पर केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक किए हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कौन कौन से हुए हैं उनका उल्लेख कर रहे थे। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रचार की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। जहां सीएम योगी आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के चुनावी दौरे पर हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गाजियाबाद और मेरठ में चुनावी बैठक करेंगे।
तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि इस निकाय चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा के दिग्गज नेता भी अब लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव यूपी में 2 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भाजपा के दिग्गज नेता वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर संभल से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से डर कर कोई काम नहीं करता, पार्टी मुझे निकाल भी दे तो कोई परवाह नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की अंतरकला अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि यहां सपा विधायक और सपा सांसद आमने सामने आ गए हैं। संभल सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। चाहे बादशाह हो, अमीर हो, फकीर हो, सबके वोट कितनी कुछ बराबर। इसलिए आज आपका वोट दिल की आवाज का नाम वोट है, तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर भी बहरहाल कौम और मिल्लत के लिए काम किया। मैंने मेरी जिंदगी का मिशन यह है कि मैं 50-60 साल तक से शासन कर रहा हूं। तो निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने बयान दिया है कि पार्टी मुझे निकाल भी दे तो मैं कोई परवाह नहीं करता हूं। तो निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने जो है एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो संभल में निकाय चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सपा विधायक और सपा सांसद अब निकाय चुनाव के दौरान आमने सामने आ गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने खुलकर बयान दिया है कि मैं पार्टी से डर कर कोई काम नहीं करता, जो मेरा पसंदीदा प्रत्याशी है, जो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र के लिए काम करेगा, मैं हमेशा उसी के साथ खड़ा हूं और मैं पार्टी से डर कर कोई भी काम नहीं करूंगा, फिर चाहे पार्टी मुझे बाहर का रास्ता ही क्यों ना दिखा दे। प्रयागराज जनपद में पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी कुलसुम बीवी के पति अहमद अंसारी ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता मेरे साथ है, भाजपा ने हंडिया नगर पंचायत को खोखला बना दिया, भाजपा चेयरमैन ने सिर्फ अपना विकास किया और जनता भाजपा से त्रस्त है, ये चुनाव मेरे कराए गए काम को देख कर लोग मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। सपा प्रत्याशी कुलसुम बीवी भारी वोटों से चुनाव जीत रही है। हमारे पिछले कार्यकाल याद करना है, 15 साल कार्यकाल रहा है, उसमें जितना काम हुआ था हम क्षेत्र में ठहरे लोग ये बता रहे हैं, जो आप करके गए तो सिर्फ छूटा हुआ है, कुछ हुई नहीं। नए जो चेयरमैन है तो हम कुछ काम नहीं किया। हंडिया का जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में कहना है, समस्या क्या है? विकास होना चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या है, विकास रुका हुआ है। विपक्ष तो कहता है कि हम कई हजार आवास दे दिए हैं, लेकिन वही कुछ लोग कहना है कि जो आवास मिला है उसमें बहुत हिला वाली हुआ है, लेन देन होती है ना उसमें जी। लोगों का कहना है कि जो भी आवास मिले हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ फंडिंग करना पड़ा है। हाँ, करना पड़ा ना, हमें भी खबर मिल रही है। सहयोगी नंदलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नंदलाल, जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी कुलसुम बीवी हैं और वो लगातार जनता के बीच जाके समर्थन मांग रही हैं, क्या लगता है जनता का समर्थन किस तरीके से उनके साथ है? जी मुस्कान, देखिए नगर पंचायत हड़िया का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता है अहमद अंसारी जी, इसके पहले 15 साल चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन पिछले वर्ष एक बहुत कम वोटों से इनको हार मिली थी, लेकिन इस बार उनकी बीवी कुलसुम बेगम चुनावी मैदान में है और उनके पति अहमद अंसारी लगातार हंडिया के 13 वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे जवाहरलाल जायसवाल जी, उन्होंने सिर्फ कागज पे काम किया है, जो मैं 15 साल चेयरमैन रह काम किया था, जनता उसको आज याद कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद नंदलाल जी हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
अपर आयुक्त अयोध्या मंडल ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर नकेल कसने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन आदेशों के बावजूद भी जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बता दें कि अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अमीनपुर गाँव में बंजर भूमि पर जेसीबी से खुदाई करके बंजर भूमि की पटाई की जा रही थी, जिसकी सूचना जिला खनन अधिकारी को मिली और उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज तक करवा दिया है। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद राजस्व विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है और जमीन पर माफियाओं का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे प्राइम टीवी के संवाददाता ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सुनील कुमार शुक्ला अपर आयुक्त प्रशासन द्वारा हर एक जिले को चिन्हित किया गया, जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। सरकारी जमीन पर चाहे नवीन पड़ती हो, चाहे बंजर हो, चाहे सरकारी तालाब हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला अधिकारी अविनाश सिंह है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो सरकारी तालाब पर या फिर बंजर भूमि पर या फिर नवीन पड़ती पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी? सर, बिल्कुल ठीक बात है। अपर आयुक्त अयोध्या मंडल की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है कि मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अगर वहीं पर कि वहाँ पर किसी ने भी जो सरकारी लैंड है, चाहे वो तालाब के रूप में दर्ज हो, चाहे बंजर हो, नवीन पड़ती हो, लेकिन अगर किसी ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, उसको तत्काल चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और इस संबंध में हमारे यहाँ से कार्रवाई भी चल रही है। अभी हम लोगों ने कई जगहों पर ऐसे जो बड़े बड़े तालाब हैं जिनमें कि लोगों ने कब्जा करके गेहूं आदि बो रखा था, उसको हम लोगों ने खाली करा कर उसकी खुदाई करवा कर उस पर पानी भी भरवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो शासन की जो मंशा है, जो शासन का दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तत्काल उनसे खाली कराने के बाद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। दूसरी बात सर ये है कि बंजर भूमि पर चंद दिनों पहले इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत अमीनपुर गाँव में पूर्व प्रधान द्वारा बंजर भूमि पर खनन किया जा रहा था और जेसीबी जिसमें सीज हुई कार्रवाई हुई, वहां पर सबसे ज्यादा नवीन पड़ती जमीन है और बंजर भूमि है, लगभग 3 दर्जन से अधिक नंबर हैं, तो क्या कहेंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी आने वाले समय में? देखिए, पूरे जनपद में जहां जहां पर भी नवीन पड़ती हो, बंजर हो या तालाब की जमीन पर अतिक्रमण है, वहां पर लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको चिन्हित करने की कार्रवाई करने के पश्चात तत्काल ही उनको जो है अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा और जो अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर बकायदा जुर्माने की धनराशि भी वसूल की जाएगी। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी अविनाश सिंह, जिनका साफ तौर से कहना कि सरकार की मंशा के अनुरूप पूरा जितना भी भूमाफिया है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, नवीन पड़ती हो, चाहे तालाब हो, चाहे भूत हो, चाहे गड्ढा हो, सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किए हैं उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि ऐसे में सरकार की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने एकदम दो टूक में बात स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अंबेडकर नगर। औरैया में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दावेदार अपने अपने पक्ष में मतदान कराए जाने को लेकर जनता से अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत दिव्यापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरी बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम कुमार अवस्थी की पत्नी संध्या अवस्थी चुनावी मैदान में आ चुकी है। उनके कार्यालय का शुभारंभ गुंजन टॉकीज के समीप हो चुका है। इस दौरान राम कुमार अवस्थी ने कहा कि नगर पंचायत दिव्यापुर में अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि क्षेत्र की जनता राहत की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यहां पर जलभराव का है। यदि उनका प्रत्याशी चुनाव जीतकर सीट पर काबिज होता है तो सबसे पहले वो क्षेत्र की जलभराव की समस्या का पूरी तरीके से निस्तारण करेगा। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने नगर पंचायत दिव्यापुर से प्रत्याशी संध्या अवस्थी पत्नी राम कुमार अवस्थी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि हमें हर समाज का समर्थन मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। आपकी नज़र में दिव्यापुर नगर पंचायत की सबसे अहम और प्रमुख समस्या क्या है? सड़क, पानी,
ऐसे कौन से कारण जो पूर्व चेयरमैन ने नहीं कराया आपको? मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वही औरैया जनपद में एक नगर पालिका व 6 नगर पंचायतें हैं। वही दुर्गापुर नगर पंचायत से हमारे साथ में श्रीमती पत्नी संध्या अवस्थी के पति राम कुमार अवस्थी जी हमारे साथ में। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में आए, क्या रणनीति है? स्वागत है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे? देखिए, जो नगर के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी जो जरूर समस्याएं हैं उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का भाई कह रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं लोगों पर कैसी बड़े बड़े बातें करते हैं, इन बातों पर कितना खरा उतर रहे हैं? देखिए, ये दिव्यापुर वो क्षेत्र है 2005 में जब मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा था जिला पंचायत सदस्य का, तो हमें 10,500 मत मिले थे। उसी समय बीजेपी के प्रत्याशी को मात्र 600 वोट मिले थे। इतना नहीं, अभी 2017 में मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी दिव्यापुर विधानसभा से था, हमें नगर में 2700 वोट मिले थे, 3700 वोट मिले थे और जो वर्तमान में चेयरमैन जीता था उसको 2700 वोट मिले थे। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं जनादेश किसके साथ है और कौन किसके साथ है। मूलभूत समस्या जल निकासी की है, वाहन निकासी की है। यहाँ पर जाम डेली जाम लगता है। अगर आप कभी शाम के आए तो आप दिव्यापुर चौराहा से लेके बीजीएम तक आपको निकलने में 1 घंटा लगता है। ये मूलभूत समस्या है दिव्यापुर की। अगर आप जीत के आते तो आपके मेन उद्देश्य क्या है, किन को काम करना है? अगर हमें जनता मौका देती है, उस मंदिर तक हम पहुंचते हैं तो हम निश्चित ही यहाँ पर जो जल निकासी की समस्या है, लगभग 250 एकड़ जमीन जल निकासी की वजह से यहाँ पर पड़ती पड़ी हुई है। किसानों में काफी जोश है और पहले सबसे पहले जल निकासी की समस्या की जाएगी, फिर पेयजल की समस्या की जाएगी, तीसरी शासन तक अपनी बात ले जाकर जाम की समस्या को हल कराने की कोशिश की जाएगी। किन किन समाजों को आपको समर्थन मिल रहा है? हमें हर समाज का समर्थन मिल रहा है। ये तो आपको एक जनता की अदालत में आप जाइए और उनसे बात करिए, जनता बताएगी हमें किस समाज का समर्थन नहीं मिल रहा है। मेरे नेता का नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय। जैसा कि राम जी से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी अधूरे विकास कार्य है अगर हम जीत कर आते हैं उनको पूरा करेंगे। प्राइम टीवी के लिए जय जनता की रिपोर्ट और जाओ। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक फर्नीचर की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए थे। दुकान के मालिक ने बताया कि वो दुकान बंद करके घर चला गया था और सुबह करीब 6 राहगीरों और यातायात प्रभारी ने दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को पूरे मामले की सूचना दी गई और आनन फानन में दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारों निगम अधीनस्थों के साथ पहुंच गई और उन्होंने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि आग लगने की सूचना पाकर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे और सपा पार्टी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से बातचीत भी की है। भैया, क्या नाम आपका? पिताजी का? इस दुकान में आग कैसे लगी, क्या कारण से लगी? दुकान में पता नहीं है किस तरह से आग लगी, तेजी से आग लगी और नीचे पहुंच गई। आपको सूचना कैसे मिली, किसके माध्यम से? सूचना कुछ लोगों ने, जैसे पीआई साहब ने फोन किया तो हम तुरंत दौड़े हुए चले आए घर से। कितने का नुकसान अनुमान लगाया? अभी ये आइडिया नहीं है, अब देखने के बाद ही बताते। क्या क्या सामान जला? दमकल की गाड़ी सूचना के बाद कितनी देर बाद आई? हम तो जब दुकान पर आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये एक फर्नीचर की दुकान है, इसमें आग लगी थी बेसमेंट में काफ़ी सामान है, मोस्टली प्लास्टिक का है जो इनके मालिक बता रहे हैं। उसमें थिनर और कुछ लकड़ी और फोम के जो फर्नीचर है, तो संभवतः जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। अभी उसकी जांच की जाएगी। जो पहली प्राथमिकता थी आग बुझाने की, उसमें 4 टीमें लगाई गई थी, गेल एनटीपीसी
से भी जो है फायर टेंडर को बुलाया गया था। वर्तमान में जो है आग पर काबू पा लिया गया है और किसी मतलब कोई जान की हानि नहीं है, कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं थे, पर जब ये हो जाएगा तो एक डिटेल रिपोर्ट CFO से मिल जाएगी। और यह सारे संजय रॉयल सिटी शोरूम में फर्नीचर शोरूम लगी आग, अब आग पर दमकल की गाड़ी इन्होंने आग पर काबू पा लिया गया। वही संबंध जब व्यापारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं लगा कितना नुकसान हुआ है, आग लगने का कारण कोई नहीं बता पाए। वहीं उन्होंने बताया कि यातायात प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा उनको सूचित किया गया और यहाँ पर ताले तोड़कर उनको बुलाया गया, उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। उन्होंने और यह पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जाहिद अख्तर जुड़े हैं। जाहिद, फर्नीचर की दुकान में आग लगी है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है और कितने की नुकसान होने की आशंका है? जी, मैं आपको बता दूं कि औरैया मां सवेरे की ये घटना है, 6:10 लगभग बताई जा रही है, जिस समय यातायात प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा अपने परेड के लिए जा रहे उसी दौरान एक संजय गेट के करीब फर्नीचर की दुकान थी, जहाँ पर उस वक्त धुएं निकलने को देखकर वहां पर वो रुके। उन्होंने देखा वहां से कुछ मोहल्ले के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उसका ताला तोल कर जब देखा जाता तो फर्नीचर का शोरूम जो अंदर बना हुआ था उसके तलघर में उसमें आग लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और विद्यापुर क्षेत्र से भी NTPC से भी दमकल की गाड़ियां बुला ली गई है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक चाउल निगम भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और वहां पर काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हुआ इसके बाद जब उनसे दुकानदार से बात की गई उस संबंध में तो उन्होंने कोई कारण नहीं बता सके कि किन कारणों से आग लगी हुई थी। बिल्कुल, धन्यवाद जाहिद हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई है, खबर हम आपको औरैया से बता रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को कड़ी जद्दोजहद के बाद बुझाया गया है। गोंडा में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल में एक बेटा मां को अपनी गोद में ले जाता हुआ नजर आ रहा है और दूर दराज से इलाज कराने के लिए आ रहे मरीजों को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो खबर गोंडा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। इस दौरान जिला अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है, जहां एक महिला को इलाज कराने के लिए जब वो अस्पताल उसका बेटा लेके पहुंचता है तो उसको स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, जिसके बाद जो बेटा है, जो युवक है, वो अपनी मां को गोद में लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचता है, जिसकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो अस्पतालों में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है, लगातार ये दावा किया जाता है कि यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, सभी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं अस्पतालों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई जनपद ऐसे हैं जहां पर लापरवाही लगातार की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, गोंडा में जब एक बेटा अपनी मां को अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचता है तो उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी, तो इस मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी मुस्कान जी, पूरा मामला बता दें कि गोंडा जिला अस्पताल का है, जहां आए दिन कोई अपने बाप के गोद में जा रहा अपने मांग लिए। यहाँ की ये तस्वीरें कोई आज की नहीं, आज ही की ही बात नहीं, ये काफी दिन से ये प्रॉब्लम, लेकिन जब यहाँ अधिकारियों से कोई बात की जाती है तो आश्वासन देकर वो छोड़ दिया जाता है। हर एक बार ये तस्वीर निकल के, लेकिन गोंडा जिला अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है, यहाँ पे डिप्टीसीएम भी आते जाते हैं, क्वारंटाइन करते हैं और बाकी रजिस्टर भी दिखाया जाता है, लेकिन जो आते हैं बस जो दिखावा कर दिया जाता है। इसके बाद जब भी कोई परेशानी आती है, ना कहीं स्टेशन मिलता, ना एम्बुलेंस मिलती है, अगर जाओ तो कहीं डॉक्टर भी नहीं मिलते, लाइन लगी रहती, कोई सुविधा नहीं, केवल जिला अस्पताल के दिखावे के लिए तो बना हुआ रखता है। ठीक है अनिल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अक्सर ऐसी तस्वीरें गोंडा से सामने आती हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हैं, तो क्या वाकई में जनपद गोंडा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त पाई जाती है? जी बिल्कुल मुस्कान जी, बताने केवल ये दिखावा के लिए है, केवल जब डिप्टी सीएम का आने का यहाँ होता तो केवल दिखावा कर दिया जाता, और बाकी यहाँ पे हर एक चीज को दिखावे के लिए कि उसको किस बता हुआ है, बता तो है कि नया दवा की व्यवस्था, अगर कोई
अगर दिखाने जाएंगे तो पर्चे पे दवा बाहर की लिख जाएगी, डॉक्टर भी नहीं मिलेगी और बाकी गोद में लेके जाकर एम्बुलेंस की अस्पताल एम्बुलेंस भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज दिखाओ कर जब इसके पास सेमो की जाती है तो सेमो भी कभी कभी का फोन भी नहीं उठता और आश्वासन देकर भी करते हैं और बाकी यहाँ पे कोई भी अगर सेमो को कोई भी कोई कार्रवाई कर दे तो कार्रवाई नहीं करता, पता नहीं इनके ऊपर किसका हाथ है और बाकी कोई भी कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।